अमन और प्रेम का संदेश देने वाले गुरु नानक देव जी के पवित्र तीर्थ करतारपुर साहिब में मत्था टेकने का 70 साल पुराना सपना पूरा होगा। लेकिन इस सपने के साथ दो मुल्कों के बीच अमन की राह भी बन गया है करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भारत पाकिस्तान के रिश्तों की नई कहानी लिखी जा रही है। पाकिस्तान और भारत के अधिकारियों ने सोमवार को जीरो लाइन पर करतारपुर कॉरिडोर के बारे में अहम चर्चा की। करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण दोनों देशों में तेजी से हो रहा है। इस कॉरिडोर से पहली बार पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ा जाएगा। बैठक करीब दो घंटे तक चली और कॉरिडोर के निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। भारत की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 9 अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले अप्रैल में भी दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञों और विदेश कार्यालय के अधिकारियों ने इसी स्थान पर बैठक में भाग लिया था। काम में कोई रुकावट ना आए इसके लिए दोनों देशों के बीच की फेंसिंग को तोड़कर वहां 40 फुट का चौड़ा फाटक लगाया गया है। दोनों तरफ से बड़े ट्रक और मशीनें रात दिन काम में लगी हैं। यहां तक कि बीएसएफ के वॉच टावर को भी हटा दिया गया है और यहां पर एक नए ओवर ब्रिज को बनाने के लिए भी बातचीत जारी है। एक तरफ पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का काम जोर शोर से हो रहा है, वहीं पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित ऐतिहासिक गुरु नानक महल के कुछ हिस्सों को शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 400 साल पुराने महल में लगे महंगे खिड़की और दरवाजों को तोड़ा गया, जिसे बाद में बेच दिया गया। इस महल में कुल मिलाकर 16 कमरे हैं और हर कमरे में 3-3 दरवाजे लगे हैं। इसके अलावा हर कमरे में कम से कम 4 वेंटिलेटर्स भी हैं। इस जगह को देखने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहां आते रहे हैं। गुरु नानक महल तोड़े जाने पर भारत में सिख समुदाय में काफी रोष है। देखिए, ये एक पैलेस था जो गुरु नानक देव जी से संबंधित था और ये हिस्टोरिकल जगह है। मुझे अफसोस इस बात का है कि वहां के डिप्टी कमिश्नर तक को ये पता नहीं है कि गुरु नानक देव जी की ये चरण शो इतनी इम्पोर्टेंस है, जिसकी दुनिया के स्कॉलर्स ने आके, हिस्टोरियंस ने आके इस जगह को विजिट किया। लगातार इस जगह को रिस्टोर करने की बात चलती रही। पाकिस्तान के ईटीबी बोर्ड को हम भी जाकर मिले थे, तब भी उन्होंने मेश्योर किया था हम इसको रिस्टोर करेंगे। हम रिस्टोर करने के लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो भी हमने गवर्नमेंट को लिखे हैं, तब उन्होंने हमें बताया। आज बड़ा शॉकिंग आया कि उसका पार्टली उसको डिमोलिश ही कर दिया गया है। दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी इस मामले में फौरन दखल देने की मांग की है। नहीं देखिए, मैंने आज भी सुषमा जी के पास ये मैटर को टेकअप किया है। हमने इमरान खान जी को भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया है हमारी। इस तरह से ये देश और दुनिया के सिखों की भावना आहत हुई है, और सिखों की नहीं, गुरु नानक देव नाम लेवा जो संगत है वो दुनिया भर में बसती है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान जी को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, और उनको यह भी दुनिया को विश्वास दिलाने की जरूरत है कि वो कॉन्शियसली ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे, और आगे भी कोई ऐसी कार्रवाई ना हो इसके लिए अपने मुल्क के अंदर सख्ती से कार्रवाई करें, यह भी उनको विश्वास दिलाने की जरूरत है। गुरु नानक महल या करतारपुर साहिब किसी एक धर्म या किसी एक मुल्क की धरोहर नहीं है। ये पूरी विश्व की साझा विरासत है, जिसे बचाने के लिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा। उम्मीद है कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर की ही तरह पाकिस्तान में सिख धर्म से जुड़ी बाकी निशानियों की भी हिफाजत का जिम्मा पाक सरकार जरूर उठाएगी।